तो घोड़ा साहब, क्या आप इत्तेफाक करेंगे? चूंकि इलेक्शन पर तो आप लोगों भी तहफ़ुज़ात थे, आप भी कराची के मैंडेट पर एहतजाज कर रहे थे और MQM के मैंडेट को आप जाली कह रहे थे। ए मेरे साहब, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। 2018 वाली पर भी हमें एतराजात थे, लेकिन हमने मुनासिब समझा था कि हम असेंबली में आए। दूसरे लोग बायकॉट करके चले जाना चाहते थे, इस्तीफा दे के चले जाना चाहते थे, हमने उनको राजी करके असेंबली में ले आए थे। ये 2018 पर भी हमारे एतराजात थे ना, लेकिन हमने फिर भी असेंबली को चलाना मुनासिब समझा। हमने आज भी असेंबली को चलाना मुनासिब समझा। ये दोस्त हैं जो चाहते हैं कि असेंबली न हो, टर्मोइल हो, फ्रस्ट्रेशन हो, और इस तरह से इनकी बात को आगे बढ़ने का मौका मिले। सही, अपोजिशन है, बिस्मिल्लाह करो अपोजिशन। हुकूमत है, उनके पास मेजॉरिटी है, कानून साजी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसमें बात क्या है कि जिससे हम बात करें? कौन सी बात है जिससे हम बात करें? आप कस्में उठा चुके, इलेक्शन में आप हिस्सा ले चुके, अपने वजीर आला भी बन गया। अब वजीर आला KP में आप मेजॉरिटी में है तो वो ठीक है, इलेक्शन पंजाब में ठीक नहीं है, सिंध में ठीक नहीं है, बलूचिस्तान में ठीक नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न